आज का प्रोटेस्ट कर रहा हूँ ये डाक साहब की फोटो को लेकर के, ये चुन करके मंत्री बने, जम्मू की जनता ने चुन करके भेजा, फिर जा करके वहाँ मंत्री बने, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग मुसीबत के अंदर हैं। टोल प्लाजा का विषय बड़ा गंभीर हो गया है और स्मार्ट मीटर का विषय बड़ा गंभीर हो गया है। डाक साहब, जम्मू की जनता के वोटों को लेकर के आप दिल्ली की कुर्सी पर विराजमान हैं। आप ईस्ट के विषयों को, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी विषय हैं उनको कामयाब करने का प्रयास करना चाहते हैं, लेकिन जम्मू से चुन करके गए और जम्मू के विषय के अंदर आज कुछ भी स्पष्ट दिखाई देने का प्रयास नहीं करना चाहता। आप वहाँ हैं तो फिर समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा? डॉक्टर साहब, इसके विषय के अंदर आपको उत्तर देने का प्रयास करना होगा। आज बड़े शांतपूर्ण ढंग से हम आपकी फ़ोटो लेकर के आपसे जवाब मांगने का प्रयास करना चाहते हैं, लेकिन यह अवश्य कहना चाहता हूँ, आपका लाभ जम्मू कश्मीर की जनता को होना चाहिए। जब आन बान शान का प्रश्न डोगरों का बन गया है और ये एक आज ट्रांसपोर्टों की हड़ताल है, स्वागत करता हूँ उनका, लेकिन जब तक ये सारे हाथ इकट्ठे नहीं हो जाएंगे, सारे मिल करके एक बैनर के नीचे इकट्ठे नहीं हो जाएंगे, वो बैनर होगा डोगराज ऑफ जम्मू, सारे मिल करके जब बैठ करके उसका मुकाबला नहीं करेंगे, तब मुझे लगता है समस्या का समाधान नहीं होगा। श्रीमान एल जी साहब से कहना चाहता हूँ, ये जो नगरोटा टोल प्लाजा है, आप आइए यहाँ से गाड़ी में बैठिए, बाई रोड चलते हैं सरोड टोल प्लाजा, और वहाँ कितना किलोमीटर हुआ आप एक सर्टिफिकेट देने का प्रयास करें, 48.5 किलोमीटर के लगभग होता है। और श्रीमान गडकरी जी ने संविधान के मंदिर में बैठ कर के ये घोषणा करी है कि 60 किलोमीटर के अंदर टोल नहीं लगेगा। अरे 48.5 है तो फिर टोल लगने का प्रश्न पैदा नहीं होता। आपसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, यहाँ से एक टीम भेजो, हम लोग भी साथ में जाएंगे, पूरा मिन करके बताएंगे कितना हुआ। 48.5 होने के बाद एक लेटर लिखो कि ये 60 किलोमीटर के अंदर नहीं आता है, और 60 किलोमीटर के अंदर अब नहीं आता है इसलिए यहाँ टोल प्लाजा नहीं होगा। इसलिए ये डॉक्टर साहब, आप वहाँ हैं, अगर आप चाहो जम्मू की जनता दिल्ली पहुँचने के लिए तैयार है, गडकरी के बाहर धरना देने के लिए तैयार है, लेकिन 5 दिन का समय आपको रुख तय करना होगा, आपको बताना होगा जम्मू की जनता ने आपको चुन करके दिया, आप जम्मू के जनता के नेतृत्व कर रहे हैं वहाँ, और नेतृत्व करने के बाद हमारी समस्याओं के विषय के अंदर कोई विचार करने का प्रयास नहीं करना चाहता, लेकिन यह बड़ा स्पष्ट करना होगा डॉक्टर साहब, फिर आपने यहाँ आना है, चुनाव जम्मू के अंदर आकर के लड़ना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आपको कोई समस्या आ रही है, जम्मू की जनता मिल करके गडकरी जी के घर के बाहर पहुँचने को तैयार है, लेकिन इसका समाधान जम्मू की आन बान शान, डोगरों की शान आज मुश्किल के अंदर पड़ गई है, इसलिए उसका मुकाबला करने के लिए हमको तैयार रहना होगा। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, इस सारे संदर्भ के अंदर सब इकट्ठे हो जाओ, सारे हाथ एकजुट हो जाओ, सब मिलकर के मुकाबला करो, एक बैनर के नीचे आओ,
चैम्बर इकट्ठी हो जाए, उसके बाद में ये आपका वकील इकट्ठे हो जाएं, सारे लोग इकट्ठे हो जाओ एक बैनर के नीचे। तभी मैंने कहा सारे हाथ जोड़ करके बता रहा हूँ, सारे एक बार काल दो, और वो काल लगातार होनी चाहिए। जब तक समाधान नहीं होगा तब तक जम्मू के अंदर एजुकेशन चलती रहेगी। इसलिए डॉक्टर साहब आपसे कहना चाहता हूँ, आप स्पेशली इसके ऊपर ध्यान देने का प्रयास करो और इसको समाधान कराएंगे। नहीं तो न तब 5 दिन के बाद क्या होगा ये मुझे भी पता नहीं है। और फिर जितनी जिंदगी जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनके अंदर जाऊँगा और लोगों को जाकर बेखबर करने का प्रयास करूँगा, कौन हमारा है कौन बजाना। अभी इतना ही कहने का प्रयास करना चाहता हूँ। धन्यवाद।